हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देख लो। मैं वापस आ चुका हूं मंजू मोटर्स हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूं, फ्रंट में आप देख पा रहे ये रही रेनॉल्ट ट्राइबर की सबसे टॉप एंड वेरियंट RXZ डुअल टोन वाली मॉडल, जो की फ्रंट में आप देख पा रहे। तो ओवरऑल आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करके बताएंगे की अगर आप रेनॉल्ट की ट्राइबर सबसे टॉप एंड वेरियंट लेते हैं, वो भी न्यू अपडेट के साथ। यहाँ पे 2024 में बहुत सारी न्यू अपडेट हुई है, वो भी मैं आज इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। और इसके साथ इसकी एक्सोरूम ऑनडोर सब कुछ कवर करके बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर यहाँ पे ट्राइबर लेने का प्लान करते हैं, तो ये सारी वेरिएंट जो आप स्क्रीन में देख पाएंगे ये आपको मिलने वाली है। साथ में ऑटोमेटिक लेने का प्लान करते हैं तो इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं। अब साथ में बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की, तो ये सारी कलर ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाली है। टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे डुअल टोन का भी ऑप्शन मिलने वाली है, जो कि आप यहाँ पे सारे कलर ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा मॉडल और कलर जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो देन अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में और बात करते हैं कि इस वेरिएंट को आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट में। सबसे पहले लाइट के सेटअप में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलने वाली है, जो की हेलोजन बल्ब के साथ मिलने वाली है। हाई बीम आप यहाँ पे देख पा रहे, टर्न इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पे होने वाली है। ये काफी अच्छी बात है की हेडलैम्प के इनसाइड में क्रोम की डिजाइनिंग मिलती है, जो की इस फेंडर से हेडलैम्प को काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बना देती है। बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की, तो पूरी तरह से क्रोम फिनिश के साथ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे कंपनी की लोगो आप देख पा रहे, जो कि आगे से गाड़ी को और काफी एनहांस करने वाली है। नीचे आते हैं तो ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे एलईडी फॉग लैम्प आपको मिलती है। साथ में यहाँ पे सराउंडिंग क्रोम मिलती है, जो कि आगे से गाड़ी को खूबसूरत बना देती है। नीचे आप देख पा रहे तो यहाँ पे सिल्वर कलर का स्कीड प्लेट मिलने वाली है। और इसकी रेडिएटर ग्रिल की बात की जाए तो कुछ उस टाइप की यहाँ पे मिलने वाली है। अपर की बोनेट की डिजाइन की बात की जाए तो कुछ उस टाइप की कर्व डिजाइनिंग मिलती है, जो की आगे से गाड़ी को एरोडायनेमिक बना के रखती है। साथ में यहाँ पे आप बोनेट में देख इसकी वाशर यहाँ पे प्लेसिंग होने वाली है। विंडशील्ड में आते हैं तो यहाँ पे दो वाइपर मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे रूफ रेल आपको मिलने वाली है, वो भी ब्लैक कलर के साथ। और मैंने आपको बताया था ये डीटी मॉडल है, तो ऊपर में रूफ पूरी तरह से ब्लैक कलर के साथ आने वाली है। साथ में रेगुलर वायर के साथ एंटीना मिलने वाली है। अब आज के गाड़ी के साइड के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे देख पा रहे साइड की लुक जो सबसे ज्यादा एनहांस करने वाली है, इसकी जो मल्टी स्पोक स्टार व्हील मिलती है, जस्ट लाइक ये अलॉय व्हील की फील करवाती है, जो की साइड से देखने में काफी एनहांस लगती है। सबसे पहले बात करते हैं साइड से गाड़ी के डायमेंशन की, जहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब आते हैं गाड़ी के ORBM में, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें अपडेट आपको मिलने वाली है। एक्चुअल ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ और LED टर्न इंडिकेटर तो आपको मिलती है। साथ में अगर इसके अंदर के मिरर को एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन न्यू अपडेट के साथ वहाँ पे एक पावर बटन मिलती है ड्राइवर के साइड में, जिसके थ्रू आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो पहले ये चीज नहीं था, लेकिन ये चीज अब आपको यहाँ पे न्यू अपडेट के साथ मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के डोर हैंडल्स में, तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिलने वाली है, जिसकी डिजाइनिंग कुछ इस टाइप की मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के टायर के प्रोफाइल में, तो मैंने आपको बताया था स्टार व्हील यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि मल्टी स्पोक के साथ यहाँ पे मिलती है। और इसकी कलर आपको ग्रे फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 185/65R15 इंच की मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलने वाली है और पीछे यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे 182 mm मिलती है। साथ में इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 40 लीटर के साथ मिलने वाली है। ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे साइड के लुक को एनहांस करने के लिए साइड क्लाइडिंग ब्लैक कलर के साथ मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो आप देख पा रहे इसकी बैक प्रोफाइल देखने में काफी अच्छी लगती है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के टेल लैम्प में, तो यहाँ पे आपको रेगुलर बल्ब के साथ टेल लैम्प आपको मिलती है। साथ में टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे प्लेसिंग होने वाली है। ये काफी अच्छी बात है, इसकी जो लाइटिंग की डिजाइनिंग और विजिबिलिटी यहाँ पे काफी अच्छी होने वाली है। अब जैसे ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे स्पोर्टी स्पॉइलर मिलने वाली है, वो भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। साथ में यहाँ पे वॉशर मिलने वाली है, LED हाई स्टॉप लैम्प आपको मिलती है। नीचे वाइपर डिफोगस सारा चीज इस वेरियंट में आपको मिलती है। साथ में कंपनी की लोगो आप देख पा रहे और यहाँ पे ट्राइबर की ब्रांडिंग। और ये काफी अच्छी बात है कि रेनॉल्ट की कोई भी गाड़ी लेते तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में उसकी ब्रांडिंग होने वाली है। अब यहाँ पे पीछे देख पा रहे तो बैक कैमरा इस वेरिएंट में आपको मिलने वाली है। देन पीछे आपको सेफ्टी के लिए 3 पार्किंग सेंसर मिलने वाली है। साथ में इसकी स्कीड प्लेट पीछे की सिल्वर कलर के साथ मिलने वाली है। अब करते हैं गाड़ी के बूट को ओपन, तो यहाँ पे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो देन आप बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की, तो यहाँ पे अगर आप थर्ड रो को फोल्ड नहीं करते हैं तो अप्रोक्स 84 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलने वाली है। लेकिन अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे 625 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है, जो कि काफी लार्ज साइज की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के सेकंड रो में, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सीट। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट मिलने वाली है, जो कुछ इस टाइप की डुअल टोन के साथ मिलती है। और इसकी जो फैब्रिक सीट है वो काफी प्रीमियम के साथ मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की थाई सपोर्ट की, तो काफी अच्छी यहाँ पे थाई सपोर्ट मिलने वाली है। बड़े लोग आराम
आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। सेकेंड रो की जो सीट है यहाँ पे 60-40 फोल्डेबल आपको मिलती है। दोनों हेडरेस्ट जो है यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है। साथ में जो मिडिल में बैठेंगे उनके लिए 2 पॉइंट वाली सीट बेल्ट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकेंड रो की जो लेग स्पेस है ये काफी अच्छी मिलती है, बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। बी पिलर में आप देख पा रहे हैं तो सेकेंड रो के लिए ट्रीम एसी वेंट आपको मिलने वाली है जो कि इसके बी पिलर में माउंटेड होने वाली है। इस एसी वेंट को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे आपको ब्लोअर स्पीड मिलती है, यहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर में देख पा रहे तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रेप मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज काफी अच्छी बात है कि बीच में जो आप ये लाइट देख पा रहे पहले रेगुलर बल्ब के साथ मिलती थी लेकिन अब यहाँ पे एलईडी के साथ मिलती है, तो ये आपको न्यू ट्राइबर में अपडेट के साथ मिलने वाली है। और सेकंड रो की एक और अपडेट की बात मैं बताऊं कि यहाँ पे जितने सीट बेल्ट है यहाँ पे तीनों सीट बेल्ट आपको रिमाइंडर मिलने वाली है, जो पहले आपको आगे मिलता था अब यहाँ पे आपको पीछे भी मिलने वाली है। तो एज अ सेफ्टी के लिहाज में न्यू अपडेट हुई है कि अगर जो पीछे बैठेंगे उनके लिए नेसेसरी होगा पीछे सीट बेल्ट लगाना, तो ये काफी अच्छे फीचर्स है। अब आते हैं गाड़ी के रियर डोर्स के ट्रिम्स में, तो यहाँ पे डुअल टोन के साथ मिलने वाली है। पीछे यहाँ पे कॉइन या की कैरी करनी है, साथ में पीछे पावर विंडोज, यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर, और जैसे पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलने वाली है। साथ में इसकी जो लॉक अनलॉक करने वाली है वो सिल्वर के साथ मिलती है। साथ में पीछे के लिए सेफ्टी के लिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पे रेगुलर कार्स की तरह मिलने वाली है। अब चलते हैं गाड़ी के थर्ड रो में, तो थर्ड रो में जाने के पहले सबसे पहले सेकंड रो को यहाँ पे टंबल डाउन करना पड़ता है। कुछ इस टाइप की यहाँ पे टंबल डाउन इसकी सीट मिलने वाली है जो कि फोल्ड होने के बाद आगे की ओर मूव ऑन हो जाती है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेस बनने वाली है जिसके थ्रू गाड़ी के थर्ड रो में आप जा सकते हैं। अब थर्ड रो में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलने वाली है। सीट की जो डिजाइनिंग है काफी प्रीमियम फील करवाती है और यहाँ पे 50-50 फोल्डेबल वाली आपको सीट मिलती है। सबसे पहले ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप मिलने वाली है, और ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे रूफ टॉप माउंटेड आपको एसी वेंट थर्ड रो में भी मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे कुछ कैरी करनी है और यहाँ पे आपको एक चार्जर मिलने वाली है जहाँ पे आप अपने फोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं गाड़ी की थर्ड रो की लेग स्पेस की, तो यहाँ पे देख पा रहे अभी सेकंड रो को अपने हाइट के अनुसार मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेग स्पेस काफी मिलने वाली है। अडल्ट लोग चाहें तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, लेग स्पेस को लेकर कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में, तो आप देख पा रहे कुछ इस टाइप की इसकी फ्रंट की इंटीरियर होने वाली है, जो चीज मैं आपको आगे कवर करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। यहाँ पे आप देख पा रहे चारों पावर विंडोज आपको मिलने वाली है। ड्राइवर की साइड जो है वो ऑटो के साथ मिलने वाली है। बाहर के मिरर को फोल्ड करनी है या फिर एडजस्ट करनी है, सारे कंट्रोल्स आपको मिलने वाली है। ये जो फोल्डेबल वाली आप देख पा रहे ये पहले आपको नहीं मिलती थी लेकिन अब न्यू अपडेट के साथ मिलने वाली है। पावर विंडोज को लॉक करनी है कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कॉइन या की कैरी करनी है। देन नीचे आते हैं तो 1 लीटर की बोतल होल्डर और फ्रंट में स्पीकर्स मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के ड्राइवर सीट में, तो ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल के साथ ड्राइवर सीट मिलने वाली है। इसकी थाई सपोर्ट यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है, और बात करते हैं इसकी शोल्डर सपोर्ट की तो ये भी काफी अच्छी मिलने वाली है, और इसकी जो दोनों हेडरेस्ट है ये आपको फिक्स मिलती है, लेकिन इसकी जो सीटिंग की कंफर्ट और जो क्वालिटी है ये काफी अच्छी मिलने वाली है। अब यहाँ पे आप सीट में देख पा रहे SRS एयरबैग, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको टॉप एंड वेरिएंट में 4 एयरबैग मिलने वाली है। सबसे अच्छी यहाँ पे जो अपडेट मिलने वाली है ड्राइवर सीट के साइड में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे को ड्राइवर और ड्राइवर के सीट के बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, जो कि ड्राइविंग के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वेट, अब कंपनी यहाँ पे ड्राइवर के साइड में एक आर्मरेस्ट डेडिकेटेड मिलने वाली है जो कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की मिलती है, और यहाँ पे आप देख पा रहे इसकी विड्थ भी काफी अच्छी मिलती है, तो आराम से जो ड्राइवर के साइड में वो आर्मरेस्ट का मजे लेके आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि ये न्यू अपडेट के साथ अब आपको ट्राइबर में मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग में, तो यहाँ पे डी शेप में टिल्ड स्टीयरिंग मिलने वाली है, और ये 3 स्पोक के साथ होने वाली है। सिल्वर की कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग बीच में लोगो, और इसकी हॉर्न के साउंड कुछ इस टाइप की यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको मिलने वाली है, सोर्स ऑफ बटन देख पा रहे, साथ में वॉइस कमांड आपको मिलने वाली है, कॉल रिसीव करना म्यूट करना है। राइट साइड में MID की सारी कंट्रोल्स आपको मिलने वाली है। राइट साइड के डैशबोर्ड के नीचे आते हैं तो यहाँ पे लाइट लेबलिंग वाली आपको एक स्विच मिलने वाली है। देन बोनेट को ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गाड़ी के फ्यूल लिड को ओपन करना है तो यहाँ पे एक आपको लिवर मिलने वाली है जो कि सीट के नीचे प्लेसिंग होती है। आ चुके गाड़ी के डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस टाइप की डैशबोर्ड आपको मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में सिल्वर की फिनिशिंग दी गई है। एसी वेंट साइड में अगर आप देखते हैं वहां पे आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। साथ में एक चीज काफी अच्छी बात है कि ऊपर में आपको काफी अच्छा स्पेस मिलने वाली है, बोतल वगैरह यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। देन नीचे जैसे आते हैं इसके ग्लोव बॉक्स में, तो काफी डेप्थ में यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिलती है, और अलग अलग स्पेस के थ्रू अगर यहाँ पे कुछ कैरी करना है तो आप कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी बात है कि ये जो ग्लोव बॉक्स मिलने वाली है वो कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है जहाँ पे 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स आपको मिलने वाली है।
रेडियो मीडिया, यहाँ पे ड्राइविंग इको को लेकर सब कुछ देख सकते हैं, फोन साथ में, सेटिंग वगैरह। ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको मीडिया नेप के साथ ये म्यूजिक सिस्टम अब आने वाली है, तो मैप वगैरह अगर आपको देखना है तो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जरूरत की सारी चीज मिलती है। और इसकी ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। यहाँ पे पावर बटन इसकी मिलने वाली है, साथ में वॉइस कमांड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे पीछे के लिए डिफोगर और यहाँ पे हैजार्ड लाइट, गाड़ी को लॉक करनी है, सेंटर लॉकिंग यहाँ पे मिलने वाली है, ट्रैक्शन कंट्रोल और इसकी जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स यहाँ पे मिलने वाली है। देन यहाँ पे आपको फोन कैरी करनी है और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको स्लिम स्मार्ट कीलेस एंट्री वाली आपको चाबी मिलती है, जहाँ पे लॉक अनलॉक लाइट ऑन ऑफ और डिक्की को ओपन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और पीछे यहाँ पे आपको कंपनी की लोगो मिलने वाली है और ये जो स्मार्ट की है वो आपको दो मिलने वाली है। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन मिलने वाली है। देन अंदर में आते हैं तो यहाँ पे ऑक्स जैक आप देख पा रहे, यूएसबी पोर्ट देख पा रहे, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो न्यू अपडेट के साथ मिलने वाली है, वायरलेस चार्जर, ये आपको पहले नहीं मिलती थी लेकिन यहाँ पे न्यू अपडेट के साथ ये अब आपको मिलने वाली है, ये काफी अच्छी बात है। अब आते हैं गाड़ी के गियर्स में, तो ये 5 गियर विद एक रिवर्स के साथ होने वाली है। इसकी जो रिवर्स गियर है वो फ्रंट के साइड में 1 गियर के साइड में लगती है और यहाँ पे एक नॉब मिलती है जिससे आपको ऊपर करने के बाद आप इसके गियर्स को लगा सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख पा रहे तो क्रोम की फिनिशिंग मिलने वाली है। देन इसकी जो गियर है वो पूरी तरह से लेदर कवर की गई है, साथ में यहाँ पे दो कप होल्डर मिलने वाली है। देन मैंने आपको बताया था कि पीछे की एसी वेंट के ब्लोअर को एडजस्ट करनी है तो यहीं से आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक बड़ा सा डेप्थ में कंसोल बॉक्स आपको मिलने वाली है जहाँ पे स्पेस काफी अच्छी मिलती है। और सबसे अच्छी बात कि भाई ये कूल ग्लो बॉक्स आने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे चेंजमेंट हुई है, पहले जो नॉर्मल आती थी यहाँ पे अब 7 इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाली है जो की डिजिटल के साथ आती है और ये गाड़ी को देखने में काफी प्रीमियम फील करवाती है, जरूरत की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे इंजन कितनी हीट है, चेक इंजन आप सब कुछ देख सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था ना कि रियर सीट बेल्ट जो रिमाइंडर है, अभी सेकंड रो की लेफ्ट साइड की जो सीट बेल्ट है वो नहीं लगी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये रिमाइंडर देने वाली है। साथ में यहाँ पे स्पीडोमीटर गाड़ी की देख पा रहे, डोर्स ओपन है वो आप देख सकते हैं, गाड़ी कितनी किलोमीटर चली आप देख सकते हैं। राइट साइड में नीचे आरपीएम मीटर मिलने वाली है और यहाँ पे ट्रिप ए आप देख पा रहे, डोर्स कौन कौन सी ओपन है, फ्यूल लो है, सब कुछ देख सकते हैं। इधर आपको फ्यूल के रिलेटेड सब कुछ बताने वाली है, गाड़ी क्या एवरेज दे रही है यहाँ पे भी आप रियल टाइम में देख सकते हैं, तो जरूरत की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। देन MID के सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिलने वाली है, तो इस बटन को आप जैसे प्रेस करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी क्या एवरेज दे रही है वो आप देख सकते हैं, साथ में गाड़ी की ट्रिप मीटर आप सब कुछ देख सकते हैं। आगे जाते हैं तो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलने वाली है, ये काफी अच्छी बात है भाई, और यहाँ पे सर्विस इंटरवल भी बताने वाली है। और आगे जाते हैं तो यहाँ पे सेटिंग में आप देख पा रहे तो डायनेमिक कंट्रोल्स आपको मिलने वाली है। और नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे टेक ए ब्रेक का फीचर्स आपको मिलने वाली है जो कि ऑन है, इसमें अगर आप जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी अगर आप गाड़ी को चलाते हैं 200 किलोमीटर तक कंटिन्यू, या फिर अगर टाइमिंग आप देखो 120 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हैं तो यहाँ पे जो ब्रेक का टाइम है वो आप 5 मिनट या 10 मिनट आपको जो करना है सेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू फीचर्स मिलने वाली है वो टेक ए ब्रेक रिमाइंडर वाली फीचर्स मिलने वाली है, अगर आप गाड़ी को कंटिन्यू चला रहे बहुत टाइम से तो यहाँ पे गाड़ी एज आपको बताएगी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कुछ टी वगैरह या कुछ कॉफी वगैरह पी लीजिए, फिर आगे फिर गाड़ी को ड्राइव करिए, तो ये एज आपके सेफ्टी के लिए काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अच्छी अपडेट हुई है, जरूरत की अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब जैसे ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलने वाली है। अब आगे देखो यार, यहाँ पे आप जो LED लाइट आप देख पाएंगे ये पहले रेगुलर बल्ब के साथ आती थी लेकिन अब न्यू अपडेट के साथ LED के साथ आने वाली है, डे नाइट के साथ IRBM, ऊपर में माइक मिलने वाली है और यहाँ पे आपको साइड में कार्ड होल्डर मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले आप ऊपर में देख पाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर में इंसुलेशन मिलने वाली है जो कि कहीं ना कहीं इंजन के नॉइज को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती है। साथ में बात करते हैं गाड़ी की इंजन की प्लेसिंग की, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे मिलती है, साथ में यहाँ पे एक साइड की ब्रांडेड आपको बैटरी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात की अगर आप ड्राइवर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रेकिंग को लेकर सारे सिस्टम्स मिलने वाली है, और जब ब्रेकिंग को लेकर छिड़ी गई है तो ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप ड्राइवर लेते हैं तो इसे NCAP ग्लोबल से 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो एज अगर आप अपने फैमिली के लिए एक सिक्योर सेफेस्ट कार अगर आप 7-सीटर के साथ लेने का प्लान करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, जरूरत की इसमें सारी फीचर्स मिलने वाली है, साथ में ये सेफ्टी के लिहाज में काफी अच्छी होने वाली है। बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे फ्रंट में डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाली है, पीछे पार्किंग सेंसर विद कैमरा के साथ मिलने वाली है, रियर सीट बेल्ट आपको रिमाइंडर अब न्यू अपडेट के साथ मिलने वाली है, फ्रंट में आपको यहाँ पे 4 एयरबैग मिलती है, साथ में ABS, EBD ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जरूरत की सारी सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाली है जो कि आप यहाँ पे टोटल डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल की, तो फिलहाल अभी RXZ टॉप एंड वेरिएंट
वेरिएंट की नेचुरल एनर्जी इंजन की बात कर रहे हैं जो कि मैनुअल के साथ है, तो यहाँ पे 1 लीटर 1000 cc की इंजन मिलने वाली है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आने वाली है। बात करते हैं इस इंजन से मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पे 72 PS का पावर जनरेट होता है। और बात करते हैं इस इंजन से मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहाँ पे 96 Nm आपको टॉर्क मिलने वाली है। इस इंजन को लेने का प्लान करते हैं, तो यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ आप ले सकते हैं, जो कि फ्रंट में आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप रेनॉल्ट की ड्राइवर अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज की वो 20 करती है। तो अप्रोक्स इस गाड़ी को अगर आप सिटी में भी चलाते हैं ना, तो यहाँ पे 17 से 18 हंस के आप इससे माइलेज निकाल सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं कि इसकी टॉप एंड वेरियंट डुअल टोन के साथ लेते हैं, जो की फ्रंट में व्हाइट एंड ब्लैक कलर के साथ आप देख पा रहे, तो इसकी जो एक्स शोरूम है वो 8,45,500 के आसपास पड़ने वाली है। और इसे अगर आप मंजू मोटर्स हजारीबाग शोरूम से लेते हैं जो कि झारखंड में अवेलेबल है, तो यहाँ पे 9,96,500 के आसपास इसकी ऑन रोड पड़ने वाली है। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो अगर आपको 7 सीटर में सबसे अच्छी सेफेस्ट कार अगर आपको लेने का प्लान करना है, या फिर 7 सीटर की सबसे बेहतरीन और सस्ती अगर आप कार लेने का प्लान करते हैं, तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं, जहाँ पे जरूरत की सारी फीचर्स मिलने वाली है। तो करते दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।